तो सभी देशवासियों को मेरा नमस्कार। आज जो है मैं अपने लाइव सेशन में ये WDFC रेलवे प्रोजेक्ट जो कि अभी मुंबई में चल रहा है और मैं आप लोगों को जो दिखा रहा हूँ, ये जो है अभी देखिए ये पुराने वाला रेलवे है। ये ट्रैक देखिए, ये जो रूट है ये पनवेल बसई रूट है और ये जो है देखिए हमारा गुड्स लाइन इस पे जो है ये इस पे ओनली फॉर मालगाड़ी ही चलेगी। और देखिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कैसे ये बारिश के सीज़न में, यहाँ बारिश बहुत होता है, मुंबई में बारिश जो है बहुत होता है, उसके कारण थोड़ा काम स्लो चल रहा है, फिर भी काम चल रहा है। ये देखिए हमारा जो एक्सकेवेटर काम कर रहा है। अभी क्या होता है कि जो भी ट्रैक बन चाहे, देखिए जो पुराने ट्रैक है इसके अप साइड में एक ड्रेन बनाया जाता है, वैसे इधर भी हमारा जो ट्रैक बनेगा उसके लिए ये ब्लास्ट जो भी है हमारा पहाड़ी है, ये पहाड़ को तोड़ के और इसमें ड्रेन आएगा। जितना भी वर्षा का पानी होता है ये ड्रेन के माध्यम से, ये देखिए मैं दिखा रहा हूँ, वो हमारा ब्रिज है, वो ब्रिज तक जाएगा और ब्रिज में जाके पानी गिरेगा। देखिए वो हमारा ब्रिज है, ये देखिए इधर ही आएगा हमारा रेलवे ट्रैक। ये देखिए वो हमारा जो है रॉक को देखिए तोड़ रहा है और तोड़ के उस पर ड्रेन बनेगा ताकि पानी निकलने का रास्ता हो। और देखिए सबसे पहले मैं बता दूं अपने सारे देशवासियों को कि ये जो प्रोजेक्ट है बहुत ही अहम प्रोजेक्ट है, ये देश हित में बहुत ही विकास करेगा। इसलिए कि जितना ही मालगाड़ी ज़्यादा चलता है, आज रेलवे हो चाहे कोई भी हो, जितना मालगाड़ी से फ़ायदा होता है उसे पैसेंजर से नहीं होता है, इसलिए माल से ही गवर्नमेंट को पैसा आता है। और ये देखिए स्पेशल अप एंड डाउन दोनों लाइन इस पर बनेगा और इसमें क्या होगा कि पूरे दिन में 24 घंटा में कम से कम 150 इसमें मालगाड़ी चलेगी, एक डाउन एक जाएगी और एक आएगी, और स्पीड लिमिट भी बहुत ज़्यादा रहेगा इसका, इसलिए कि इसका स्टेशन जो है इतने पास पास में नहीं रहेगा, इसका स्टेशन लगभग 50 किलोमीटर के अंदर में रहेगा, एक स्टेशन 50 किलोमीटर। तो समझ लीजिए कि 50 किलोमीटर में रहेगा तो ट्रेन तेज़ ही चलेगी, तो इस पर जो है जो भी ट्रेनें चलेगी वो फास्ट चलेगी और इस पर पैसेंजर ट्रेन नहीं चलेगी, पैसेंजर ट्रेन हो या एक्सप्रेस है इस पर नहीं चलेगी, ये ओनली फॉर इस पर चलेगी। देखिए ये मैं बता रहा हूँ आपको, ये देखिए इस पर चलेगी पैसेंजर और एक्सप्रेस जो भी है, इसलिए कि ये मालगाड़ी के कारण अपना जो भी एक्सप्रेस ट्रेन है या पैसेंजर ट्रेन है ये जो है क्या है कि लेट हो जाती है। इसको देखते हुए गवर्नमेंट ने फैसला लिया कि क्यों ना मालगाड़ी का जो ट्रैक है अलग ही बनाया जाए। वो अलग बनाने से क्या हो जाएगा कि हमारे न मालगाड़ी के बाधित होंगे और ना ही पैसेंजर एक्सप्रेस बाधित होंगे, सब टाइम से चलेंगे, इसलिए ये अलग बनाया जा रहा है और ये पूरे इंडिया को जोड़ा जा रहा है। ये मोदी जी का पूरा एकदम कहना है कि इसको पूरा इंडिया को जोड़ना है मालगाड़ियों से अलग ही रूट से, जैसे अभी बुलेट ट्रेन चल रहा है वैसे इसको चलाया जाएगा, सेम ही वैसा ही अलग उसका भी रूट है, इसका भी अलग रूट है, उसमें यही फ़र्क है कि वो केवल पेयर पे है, पिलर पे है और ये नीचे में है और पेयर इसमें भी है, जहाँ बायोडक्ट होता है वहाँ पे पेयर होता है, लेकिन जहाँ बायोडक्ट नहीं है वो नीचे है और वह उसमें क्या है कि पूरा ऊपर ऊपर ही है कि नहीं, उसका स्पीड लिमिट ज़्यादा है, इसका लिमिट कम है, लेकिन अलग जैसे सेम वो बना है वैसे सेम यही है और पूरे इंडिया में बन रहा है, इसमें बहुत लोगों को रोज़गार चल रहा है। मैं इसमें सेफ्टी ऑफिसर के तौर पे हूँ इसलिए मैं आप लोगों को ये लाइव सेशन से दिखा रहा हूँ। देखिए ठीक है मेरे दोस्तों, हमको अच्छा लगा होगा कि आप लोग इस वीडियो को देख के और लाइव लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।